हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया के बारे में, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। गाइस, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि संविधान आखिर होता क्या है। तो संविधान के बारे में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और आखिर इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है, यानी क्या है, डॉक्यूमेंट है। किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस का। इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करता है, यानी हर एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे गवर्नमेंट की बेसिक स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार के अधिकार जो है, प्रत्येक सरकार एवरी गवर्नमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग कार्य करती है, और जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उसकी गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी एक्टिविटी, उसकी स्टाइल, उसकी बनावट, उसकी डिजाइन और सरकार को क्या करना है क्या नहीं, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। संक्षेप में अगर हम कहें तो भारतीय संविधान एक नियमों से भरी किताब है, नियमों से भरी किताब है। ये नियम सरकार के मुख्य अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनावट और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। यानी अगर हम शॉर्ट में बोलें कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी बुक है जो रूल्स से भरी हुई है, और ये रूल क्या डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका डिटरमाइन करते हैं, मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, जैसे हमारा कार्यपालिका लेजिस्लेचर, सॉरी कार्यपालिका विधायिका, विधायिका के लिए लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी को डिफाइन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को। अब हम बात करते हैं कि निर्माण उसका कैसे शुरू हुआ। तो इनकी कहानी शुरू होती है 1757 ईस्वी के प्लासे के बैटल से और 1764 ईस्वी के बक्सर के बैटल से। इस बैटल में हुआ क्या, ब्रिटिशर्स की जीत हो गई, और जब ब्रिटिशर्स की जीत हो गई तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना शासन बंगाल पर जमा लिया, और उसने क्या किया कि उस अपने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर जो है कई एक्ट पारित करना शुरू कर दिए, और यही एक्ट क्या हुए जो भारतीय संविधान के लिए स्टेयर्स का काम करना शुरू कर दिया, यानी स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां बनी। तो सबसे पहले एक्ट जो उन्होंने लागू किया वो था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है, रेगुलेटिंग मीन्स किसी पर रेगुलेट करना। तो रेगुलेट कौन करेगा भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत करके आई युद्ध, तो वही रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, किस पर रेगुलेट करेगी, बंगाल पर। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल पर एक काउंसिल को एस्टेब्लिशमेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस चीज़ के लिए, जिसमें उस काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और एक गवर्नर जनरल था, रूल करने के लिए उसने एस्टेब्लिशमेंट इसका किया। और क्या हुआ, ये जो कहा जाता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, यही संविधान की न्यू है, संविधान की बेस है। सबसे पहला गवर्नर जनरल उन्होंने किसको बनाया, वॉरेन हास्टिंग्स को बनाया, कहा जाता है कि। और इसी एक्ट में जो है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता में की गई, कहाँ की गई, कलकत्ता में। और ये भी कहा जाता है कि जो सर अजीला इम्पे थे इनको जो है यहाँ का चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। उसके बाद ये कुछ दिन चला लेकिन टिक नहीं पाया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स कौन था, पिट्स को कहा जाता है कि उस समय के ये जो है ब्रिटिशर्स के किंग थे पिट्स। तो पिट्स चाहते क्या थे कि हमारा शासन जो है पूरी तरीके से भारत पर हो, तो उन्होंने अपना एक्ट लागू किया। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, डबल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया, दोहरे प्रशासन को प्रारंभ कर दिया। क्या किया, एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस लिए बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो उन्होंने बनाया वो बिजनेस मैटर्स को जो है डील करने के लिए बनाया, या कहें कि कॉमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए बनाया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्यों बनाया, पॉलिटिकल मैटर्स को डील करने के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए बनाया। उसके बाद 1793 में फिर चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के मेंबर्स थे, बनाया किसने था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के मेंबर्स को पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बनाया गया था, बनाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो हुआ क्या कि इन्होंने ये सोचा कि भाई जो सैलरी है वो हम क्यों ना इंडियन रेवेन्यू से ही दें इन लोगों को। तो क्या किया इन्होंने, जो नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर्स थे और जो इनके एम्प्लॉय थे उनको जो है सैलरी इंडियन रेवेन्यू में से देने की व्यवस्था इन्होंने कर दी। और क्या किया गया, जो उसके राइट्स थे, ट्रेडिंग राइट्स थे कंपनी के, उसको क्या किया, भारत में 20 वर्ष बढ़ा दिए,
यानी भाई 20 वर्ष। अब 1793 का ये चार्टेड क्या बोलते हैं चार्टर एक्ट था, तो इन्होंने क्या किया आप 20 वर्ष बढ़ा दिया यानी 1813 फिर इनको लाना पड़ा चार्टर। ये क्या किए फिर इन्होंने क्या किया, जो कंपनी का व्यापारिक यानी ट्रेडिंग राइट्स जो था उसको समाप्त कर दिया, लेकिन जो चीन के साथ ये चाय का व्यापार करते थे उसको अभी भी ये करते थे, उसको समाप्त नहीं किया गया। और जो क्रिश्चियन इवेंजेलिस्ट थे यानी ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको भारतीय क्षेत्र में कहे कि भैया आइए आप लोग बस सकते हैं। और जो कंपनी का था कि इंडियन टेरिटरीज के ऊपर और राजस्व तक नियंत्रण जो है स्वीकार कर लिया गया, जो 1793 में लागू किया गया था। और फिर उन्होंने जो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था वो चीज़ें इन्होंने फिर से कर दी। फिर इन्होंने अब 20 वर्ष फिर यहाँ से बढ़ेगा 1813 से, फिर कितने तक जाएगा 1833 तक। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, जो ट्रेडिंग राइट्स थे, कॉमर्शियल राइट्स थे, उसको क्या किया गया पूर्णता समाप्त कर दिया गया। 1813 में क्या था, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था, पूर्णता समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि चीन के साथ जो चाय का व्यापार था आपका, टी का जो ट्रेड था उसको कंपनी करती थी, और सारे तो कमर्शियल राइट्स समाप्त कर दिए गए थे ट्रेडिंग राइट्स, लेकिन पूरी नहीं। लेकिन 1837 में क्या हुआ, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब भैया समाप्त कर दिए सारे राइट्स, तो अब इनके पास क्या बचेगा, अब इनके पास बचा कि हमें तो बस ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या करना, भारत पर अब हमें शासन करना है। पूरे भारत पर अभी तक इनके पास एक प्रेसिडेंसी थी केवल बंगाल की। पहले 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, तो बंगाल थी। अब इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे, तो क्या किया इन्होंने, जो व्यापारिक अधिकार थे ट्रेडिंग राइट्स थे उसको पूर्णता समाप्त किए, और क्या किए बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको क्या किया पूरे भारत का ये गवर्नर जनरल बना दिए। उसके बाद क्या किए और क्या किया इन्होंने, जो भारतीय कानून था इंडियन लॉ था उसको क्या किया कैटेगराइज कर दिया, और इसके लिए क्या किया गया लॉ कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट किया गया। लॉ कमीशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लॉ कमीशन के मेंबर कौन थे, लॉ मेंबर सबसे पहले कौन थे, तो लॉर्ड मैकेले, ये मैं ऐड करना भूल गया हूँ, लॉर्ड मैकेले सबसे पहले जो है मेंबर लॉ मेंबर थे। फिर चार्टर एक्ट आपका आता है 1853 में, इसमें क्या किया गया, इसमें जो था कॉम्पिटिटिव बेस कर दिया गया, मतलब जो एग्जामिनेशन जो नौकरियाँ मिलती थी ब्रिटिशर्स के, उसमें शासकीय सेवाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब जिसे हम बोलते हैं मिलती थी, उन सबको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पर कर दिया, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंडियंस को इसमें शामिल नहीं किया गया, इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया कि भैया आप नहीं आ सकते, केवल और केवल अंग्रेज लोग ही इसमें आ सकते हैं। फिर क्या गया, भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ कब, 1858 में। इसमें क्या हुआ, जो भारत का शासन था वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक शासन कर रही थी, उससे लेकर के जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, और भारत में जो है मंत्री पद की व्यवस्था भी कर दी गई। उसके बाद इंडियन काउंसिल बनाया गया, इंडियन काउंसिल में क्या किया गया, बनाया गया कब बनाया गया, 1858 में। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन काउंसिल कब बना गया, 1858 में। कितने मेंबर्स रखे गए इसमें, 15 मेंबर्स रखे गए। और क्या गया, जो भारतीय मामले थे इंडियन मैटर्स में, जो ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, भैया ब्रिटिश क्राउन आ गए तो अब उन्हीं का नियंत्रण रहेगा ही, वो तो बात की बात है कि भैया नहीं करना चाहते थे तो ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या लागू कर दिया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कब आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इसमें क्या गया, जो गवर्नर जनरल थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। क्या किया गया, विस्तार किया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल पहले होते थे उसमें क्या किया गया था आपके रेगुलेटिंग एक्ट में, कि गवर्नर जनरल होता था प्लस 4 मेंबर होते थे, और इसमें और बढ़ा दिया गया, कुछ और मेंबर्स ला दिए गए। उसके बाद विभागीय प्रणाली यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम को जो है यूज किया गया, डिपार्टमेंटल सिस्टम का स्टार्टिंग कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी गवर्नर जनरल अब क्या कर सकता था, ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता था। गवर्नर जनरल को क्या किया गया, अब गवर्नर जनरल वाज एम्प्लॉयड टू एस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद की स्थापना बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, वो और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के प्रोविंस में यानी क्षेत्र में और पंजाब में किया। फिर भारत परिषद अधिनियम आता है, कब आता है 1892 में आता है, कब आता है 1892 में। इसमें क्या किया गया, निर्वाचन प्रणाली यानी इलेक्ट्रोरल सिस्टम को शुरुआत किया गया। अब क्या हुआ, इसमें जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य थे, विधानमंडल कहने का सेंस क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य थे, और जो वो क्या करते थे, जो केंद्रीय विधानमंडल होता था यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होता था, उसको जो है 5 मेंबर्स को ये इलेक्ट कर सकते थे, इलेक्ट कर सकते मतलब इलेक्ट्रोल सिस्टम शुरू हो गया तो इलेक्ट कर सकते थे। और जो राज्यों के विधानमंडल के सदस्य थे
वो क्या कर सकते थे, राज्यों के विधानमंडल का मतलब जो स्टेट के आपके स्टेट लेजिस्लेचर के जो है मेंबर्स थे, वो क्या कर सकते थे, अब केंद्रीय बजट पर जो है बहस कर सकते थे, मतलब जो आपका यूनियन सेंट्रल बजट आता है उस पर बहस कर सकते थे। हालांकि जो उनके पास मत था कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी उनके पास अधिकार नहीं था। फिर भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया 1909 में लागू किया गया। इसमें का इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, पहली बार मुस्लिम समुदाय के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पहली बार इसमें मुस्लिम का एक कोई रिप्रेजेंटेटिव आया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार, मतलब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, मतलब इंडियन जो काउंसिल होती थी, इंडियन काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें जो है अब भारत के लोगों को भी आने का अवसर दिया गया। और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, उसमें पहली बार ऐसा किया गया कि आप भैया बजट पर, यूनियन बजट पर डिबेट कर सकते हो, सार्वजनिक हित के विषयों पर आप प्रस्ताव पेश कर सकते हो, प्रपोजल ला सकते हो, अगर वो जो है सार्वजनिक हित में है प्रश्न आप पूछ सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। इसके पहले जो भारत परिषद अधिनियम था 1892 में, उसमें मत नहीं दे सकते थे, केवल बहस कर सकते थे केंद्रीय बजट पर जो यूनियन बजट था। लेकिन 1909 में क्या इम्प्रूवमेंट आया कि भैया आप मत भी दे सकते हो। और जो प्रांतीय विधान परिषद था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसकी संख्या में वृद्धि की गई, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। फिर क्या आता है, फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड सुधार के नाम से भी बोला जाता है। इसमें क्या गया, बाइकैमरल सिस्टम यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ। जो बॉडी आज हम लोग बोलते हैं ना कि ये भैया लोकसभा है, राज्यसभा है, उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा को राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय विधानसभा में उस समय कितने सदस्य होते थे, 140 मेंबर होते थे। कितने मेंबर्स होते थे, 140, जिसमें से 57 निर्वाचित थे, यानी 57 को इलेक्ट करके बनाया जाता था, वोट दे करके बनाया जाता था। और राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे, 60। कितने सदस्य होते थे, 60, जिसमें क्या था, 33 निर्वाचित थे, यानी 33 को हम इलेक्ट करके बना सकते थे। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से, मतलब जो आपका सेंट्रल बजट पहले लागू होता था वो सब एक ही में लागू होता था, लेकिन जब ये एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चैंसफोर्ड रिफॉर्म, तो इसमें क्या किया गया, जो हमारे प्रांतीय बजट थे, प्रोविंशियल बजट थे, उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। फिर आपका लागू हुआ भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम में 321 आर्टिकल आए, यह सबसे अधिक विस्तृत था, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसमें क्या किया गया, जो इंडियन काउंसिल था आपका, क्या था, इंडियन काउंसिल था, वो कब आया था आपका, 1858 में आया था। किस एक्ट में आया था, भारत सरकार अधिनियम में आया था, ठीक, उसको यानी 15 मेंबर उसमें होते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। इंडियन काउंसिल यानी भारत सरकार अधिनियम जो था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे पहले 1858 में आया था, तो 1858 में क्या कहा गया था कि जो हमारे भारत परिषद, मतलब जो इंडियन काउंसिल के मेंबर हैं, 15 मेंबर होते थे, वो उस समय लागू किया गया था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से जो है एंड कर दिया गया। और जो बर्मा के प्रशासन, भारत के प्रशासन से, मतलब जो एक बर्मा कंट्री जो आज म्यांमार के नाम से बोली जाती है, उसको जो है भारत से, इंडिया से अलग कर दिया गया। फिर क्या आया, फिर अब भैया संविधान बनाना है तो संविधान सभा की स्थापना करनी पड़ेगी, तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया, संविधान सभा बनाया गया भैया संविधान के लिए, इसके सदस्य जो है भारत के राज्यों के सदनों के, यानी जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और स्टेट लेजिस्लेचर था, वहां से निर्वाचित, वो अपने द्वारा जो है निर्वाचित यानी इलेक्ट करके भैया भेजते कि ये हमारे तरफ से जाएंगे। और ये चुनाव 9 जुलाई 1946 को हुआ। फिर पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, फिर मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य रहे। बाद में यही संविधान सभा दो हिस्सों में बट गई जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र में बट गया। हाँ, अब जब भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसके दिशा निर्देश के लिए जो ब्रिटेन था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से 3 मंत्री को भेजा। कौन कौन थे वो, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, इनको भेजा। और
इन्हीं तीनों को मिला करके हम इनको जो है इनके दल को, इनके समूह को, इनके ग्रुप को हम लोग कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कौन कौन आया? स्टेफोर्ड क्रिप्स आए, पैथिक लॉरेंस आए और ए बी अलेक्जेंडर आए। अच्छा, मुस्लिम देश में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग उस समय थी, तो मुस्लिम लीग क्या कहा चाहती थी कि भैया हमें अपना अलग देश चाहिए। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, तो माउंटबेटन, गांधी जी और अन्य लोगों की मीटिंग हुई, तो भारतीय समक्ष देखते हुए माउंटबेटन ने 3 जून की योजना, मतलब 3 जून प्लान घोषित किया। इस जून में क्या इन्होंने सोचा कि भारत को हम दो टुकड़े में बांट देंगे। कौन कौन से दो टुकड़े होंगे? एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। और ये किया गया कि पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए क्या करेंगे, हम एक रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम क्या होता है? जनमत होता है। जनमत का मतलब, जन मतलब लोग और मन मतलब वोट। सभी लोगों के घर घर जा करके हम उनसे वोट मांगे कि भैया आप कहाँ जाने के इच्छुक हैं, कहाँ रहने के इच्छुक हैं, उस हिसाब से उनसे रेफरेंडम कराया जाएगा और वे अपने इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में जहाँ भी रहना चाहें वो शामिल हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता के त्याग का अधिकार होगा। यह योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। क्या पारित हो गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया जब 3 जून प्लान उसके बाद पारित हुआ। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक यानी एक बिल पेश किया गया, और इस विधेयक में, इस बिल में क्या किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया, मतलब पास हो गया। पारित होने का मतलब पास हो गया। विधेयक पेश कब किया गया, बिल पेश कब किया गया, बिल कब लाया गया? तो बिल लाया गया संसद में कब लाया गया? 4 जुलाई 1947 को। और इसको पास कब हुआ कम्प्लीटली? तो 18 जुलाई 1947 को। इसमें प्रमुख बातें क्या थी कि जो 15 अगस्त 1947 हो उसमें दो राज्यों की स्थापना, अरे दो अलग अलग देश की स्थापना हम करेंगे, वो एक होगा भारत और दूसरा होगा हमारा पाकिस्तान। कौन कौन होगा? एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। नया और इसमें यह भी लिखा गया कि जब तक नया संविधान ना बन जाए, जब तक नया संविधान ना बन जाए तब तक क्या होगा, आपको इसी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही कार्य करना होगा। यानी 1935 में क्या कहा गया था कि बर्मा को सेपरेट किया गया था और इंडियन काउंसिल को एंड किया गया था, मतलब उसके तहत, और ब्रिटिश क्राउन का जो है, ब्रिटिश क्राउन का भैया खत्म हो गया, भारतीय रियासत पर से प्रभुत्व, मतलब गए, काम खत्म। भारतीय सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी का पद भी खत्म कर दिया गया। फिर 15 अगस्त 1947 आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू, और बिल कब पास हुआ था एग्जाम में पूछता है, तो बिल 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। 4 जुलाई को बिल पेश किया गया, 4 जुलाई 1947 को बिल पेश किया गया। कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को जो है ये बिल पारित हुआ। उसके बाद भारतीय सचिव का पद भी, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया और भारत आजाद मुल्क हो गया। अब जो है मुस्लिम लीग जो है उन्होंने लियाकत अली को प्रधानमंत्री और जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया, और भारत में कांग्रेस ने नेहरू को प्रधानमंत्री और माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया। एक बार हम इन सारे चीज़ को समराइज करते हैं। कहानी तो शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 1757 ईस्वी के आपके जो प्लाजे का बैटल था और बक्सर का बैटल था, वहाँ से शुरू होती है। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स की जब जीत हो जाती है तो उन्होंने जो बंगाल पे अपना जो है शासन स्थापित कर दिया और अपने शासन को अनुकूल बनाए रख लिया, उन्होंने जो है तरह तरह के एक्ट लागू करना शुरू कर दिया, और यही एक्ट जो है भारतीय संविधान के लिए स्टेयर का काम करने लगी, सीढ़ियों का काम करने लगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लागू किया? सबसे पहले उन्होंने लागू किया 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है कि एक काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया और उस काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे। रेगुलेट करना था तो रेगुलेट करने के लिए काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उस काउंसिल में 4 मेंबर होते थे और एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। और इसी समय क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में और सर अजीला एमपे इसके पहले चीफ जस्टिस बने। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स कौन था? पिट्स ब्रिटिशर्स का किंग हुआ करता था। इसमें क्या किया गया? एडमिनिस्ट्रेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको बिजनेस अफेयर्स के जो है आप संभालता था, यानी कमर्शियल अफेयर के बारे में वो देखता था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो पॉलिटिकल अफेयर को देखता था। फिर आया 1793 में चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया? सबसे पहले 20 ईयर्स के लिए ट्रेडिंग राइट्स को बढ़ा दिया गया कि कंपनी भैया 20 साल और इस पे जो है उसका ट्रेडिंग राइट्स बढ़ गया। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से देने की बात की गई। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया, इसमें फिर 20 वर्ष उसके कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को बढ़ा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक अधिकार का जो है एंड किया गया
लेकिन एक चीज़ इसमें मतलब कमर्शियल ट्रेडिंग राइट्स जो है उसको इंड तो किया गया, लेकिन एक चीज़ इसमें जो है नहीं किया गया, क्या कि वो चीन के साथ चाय का व्यापार अभी भी कर सकता था। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आता है, फिर इसमें 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं, भैया हमारा शासन 20 साल और रहेगा। फिर क्या होता है, कंप्लीट ट्रेडिंग राइट को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब जो ट्रेडिंग राइट था उनका व्यापारिक अधिकार था पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, अब भैया ये समाप्त कर देंगे तो इनको शासन करना है, इस क्या सोचेंगे कि भैया अब हम जब सारी चीज़ें समाप्त कर ही चुके हैं तो अब हम जो है शासन करेंगे, अब इनको शासन करना था तो ये क्या किए, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। और क्या किए, और जो इंडियन लॉ था हमारा, भारतीय कानून था, उसको ये कैटेगराइजेशन करते हैं, मतलब उसको बांट देते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, वो लॉ कमीशन की स्थापना करते हैं। पहले लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकावले थे। फिर क्या होता है, 1853 में फिर चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या करते हैं कि जो नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंडियंस, एक पॉइंट एक्सक्लूडिंग इंडियंस। फिर 1858 में क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या किया जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके हाथ से ले लिया जाता है, कंपनी के हाथ से, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता है। और क्या किया जाता है, इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद की स्थापना की जाती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1861 में, इसमें क्या होता है कि जो कार्यकारी परिषद होती है हमारी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारा जो इंडियन काउंसिल होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, उसके मेंबर को, यानी कहने का सेंस है उसके मेंबर को हम बढ़ा देते हैं, और डिपार्टमेंटल सिस्टम को हम लोग लागू कर देते हैं। फिर क्या आता है, फिर आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं किया। फिर 1909 में फिर आपका भारत परिषद अधिनियम आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या होता है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सटेंड किया जाता है, यानी जो प्रांतीय आपका क्या बोलते हैं विधान परिषद था उसको बढ़ा दिया जाता है। फिर 1919 में आपका भारत सरकार अधिनियम आता है, इसमें क्या किया जाता है, बाइकैमरल सिस्टम, यानी दो जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है उस तरीके से स्थापित किया जाता है, एक होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है स्टेट काउंसिल। फिर आपका 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें क्या होता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है और इंडियन काउंसिल एक्ट को बंद कर दिया जाता है पूरी तरीके से। फिर 1946 आता है, और 1946 में क्या होता है, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, उसमें जो है प्लानिंग होती है किस तरीके से क्या करना है, कई सारे मेंबर्स जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लोग रहते हैं। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बात होता है, इसको पारित, इसको जो है इसके लिए 4 जुलाई 1947 को जो है एक बिल पेश किया जाता है। फिर उसके बाद 18 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है। फिर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को पूरी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। लास्ट में मैंने एक मैप ऐड किया है, पूरे इंडिया का मैप है, 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 का मैप है। पहले ये देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, वो सब उसको हम यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे। और जो बिहार है और ये झारखंड, पहले सब एक ही में था, अब देखिए ये नया मैप है, इसमें बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया है। जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, ये बांग्लादेश है। और म्यांमार, ये देखिए यही बर्मा है हमारा, ये पहले इंडिया का मैप हुआ करता था, अब इसको अलग कर दिया गया था, जब जो है 1947 के पहले ही इंडियन काउंसिल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जब चला था तभी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।